हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? आप सभी को अपने चैनल ओपन नॉलेज जनरल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आज एक पेपर हुआ है असिस्टेंट डीपीएस 16 का। फ्रेंड, ये पेपर आज 1 मार्च 2020 को कंडक्ट हुआ था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो इसके मैक्सिमम एमसीक्यूज मेरे पास है, इसी वीडियो में इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले ये रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर न्यू विजिटर हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस के अलर्ट और नोटिफिकेशन मिल सके। बगैर वक्त जाया किए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन से आज के पेपर में आए थे, तो आइए इसको देखते हैं। नेक्स्ट ओलंपिक 2020 इन विच कंट्री? तो चाइना जो है ये होस्ट करेगी नेक्स्ट ओलंपिक 2020। इससे जो पहले वाली जो थी ओलंपिक 2000 जो है वो यूएई ने की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ ब्रिक्स? तो ब्रिक्स बेसिकली मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये इसके मेंबर्स हैं। 5 फाउंडेड इन 2009 एंड बेल्जियम जो है इसका मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर सिंपल बेल्जियम होगा। फॉर्मोसा इज द ओल्ड नेम ऑफ फॉर्मोसा, बेसिकली ओल्ड नेम है ताइवान का। नंगा पर्वत हाइट पूछी है, तो ए 8,136 मीटर। चेन्नई ओल्ड नेम, चेन्नई का जो पुराना नाम था वो मद्रास था। भूटान कैपिटल थिम्पू। ममनून हुसैन इज अ डैश प्रेसिडेंट, ममनून हुसैन का बेसिकली पूछा है कि कौन से प्रेसिडेंट है, तो वो 12th प्रेसिडेंट है। और डॉक्टर अलवी जो थे हैं अभी जो है करंटली वो प्रेसिडेंट है 13, तो उनका जो रैंक है वो 13th है और ममनून हुसैन का जो रैंक है वो 12th है। 1973 के टोटल आर्टिकल्स पूछ रहा है, तो वो 280 हैं। मॉन्ट्रियल इज सिटी, ये फ्रेंड ये सिटी है कनाडा में। मॉन्ट्रियल इज अ सिटी इन कनाडा। जापान कैपिटल टोक्यो। फेज अहमद फेज गॉट लीन अवार्ड इन, फेज अहमद फेज को लीन अवार्ड दिया गया था 1962 में। सिंगल बैडमिंटन लेंथ पूछी है, तो फ्रेंड्स 44 फुट और अगर मीटर की बात की जाए तो 13.4 मीटर। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। पेपर में कौन से एमसीक्यूज आए थे आई डोंट नो, जिन्होंने दिया है इन दोनों में से राइट आंसर वही होगा, 44 फुट है या मीटर है, तो यहाँ पे ये दोनों राइट आंसर है। पिंग पोंग न्यू नेम, बेसिकली एक टेबल टेनिस का जो है को नाम दिया जाता है पिंग पोंग। FAO फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक यस, हेडक्वार्टर बेसिकली रोम इटली में है और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये 16 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे इसको हेडक्वार्टर पूछ रहा है, तो हेडक्वार्टर हमारे पास बेसिकली रोम और इटली। माउंट ऑफ डेथ कॉल विच ऑफ द सिटी, यस मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेथ भी कहते हैं। बलूचिस्तान गवर्नर नेम अमानुल्लाह खान यसनजई। केटू अनदर नेम गॉडविन ऑस्टिन, इसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100°C। यूके रेफरेंडम डेट, बेसिकली यूके रेफरेंडम को जो एग्जैक्ट डेट है वो 23 जून 2016। सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ 40,075 जो है ये इसका जो है किलोमीटर हमारे पास ये सर्कमफ्रेंस है अर्थ का सर्कमफ्रेंस। साइचेन डिस्प्यूट फर्स्ट स्टार्टेड इन, ये जो पहला जो है स्टार्ट हुआ था 1984 में। साइचेन डिस्प्यूट फर्स्ट स्टार्टेड इन 1984। साइचेन लोकेटेड इन कराकुरम, ये कराकुरम में वाक्या है। कायद लेफ्ट कांग्रेस इन 1920 में जो है ये कायद आजम ने जो है कांग्रेस को इस्तीफा दिया था।
Bajai Mosque built by Mughal Empire Aurangzeb in Lahore, Pakistan. ये जो है बिल्ड हुआ था 1673 में. ये भी याद रखने की बातें हैं फ्रेंड्स, 1673. और कब बनाई गई थी 1673 में, किसने बनाई? औरंगजेब ने बनाई. ये बादशाही मस्जिद हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये फ्रेंड्स आप याद रखो इन बातों को, कब किसने बनाई. ओके, आरफा करीम फेमस फॉर. आरफा करीम बेसिकली यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल है. इसको जो है 2004 में जो है ये यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड का जो है अवार्ड मिला था बिल गेट्स की तरफ से. तो आरफा करीम फेमस ड्यू टू यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड. शाह अब्दुल भट्टी बिलोंग्स टू शाह अब्दुल भट्टी सिंह से बिलोंग करते हैं. लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान मोहम्मद जहीर शाह. मोहम्मद जहीर शाह वॉज द लास्ट किंग ऑफ रूलर ऑफ अफगानिस्तान. फर्स्ट प्लेयर टू हिट सिक्स सिक्सेस इन एन ओवर. इसको तो आप फ्रेंड्स आप अच्छी तरह जानते हो, विराट कोहली. देन उसके साथ जो है ये ग्रे सोबर्स, ये वेस्ट इंडीज का प्लेयर है. 1974 से करीब ये खेलता था. उस वक्त जो है ये ही वॉज द फर्स्ट प्लेयर टू हिट सिक्स सिक्सेस इन एन ओवर, ग्रे सोबर्स. तो यहाँ पे ग्रे सोबर्स जो है हमारे पास राइट आंसर. कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा. अ टेल ऑफ टू सिटीज. अ टेल ऑफ टू सिटीज इज रिटन बाय चार्लीज डिकन्स. ये जो एक बुक है जो लिखी थी चार्लीज डिकन्स. आर्म्स एंड द मैन, ये भी एक बुक है आर्म एंड द मैन, रिटन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसको लिखा था, आई थिंक 2003-04 की बात है ये. फर्स्ट सुपर कंडक्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. फर्स्ट सुपर कंडक्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हाई कैमरलिंक वंस. इन्होंने जो है सबसे पहले एक सुपर कंडक्टर जो है इन्वेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था हाई कैमरलिंक वंस. अकबर वाज बोर्न इन विच सिटी. ये उमरकोट से बिलोंग करते हैं. अकबर वाज बोर्न इन विच सिटी, तो उमरकोट. टूनिशिया इंडिपेंडेंस इन विच ईयर. टूनिशिया ने कब इंडिपेंडेंस हासिल की? तो ये 20 मार्च 1956 में. आसान याद रखने का तरीका है कि 1956 में आपका पाकिस्तान का पहला आइन आया था, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई थी 23 मार्च को. आप उसको 20 मार्च 1956 की तरह याद कर सकते हैं कि टूनिशिया उस वक्त इंडिपेंडेंट हुई थी, इंडिपेंडेंस उसने हासिल की थी फ्रांस से. यस, किससे हासिल की थी? फ्रांस से हासिल की थी 20 मार्च 1956, प्रपोज बाय हबीब बोरीगो. सिमन कमीशन रिपोर्ट इन विच ईयर. बेसिकली सिमन जो कमीशन थी, 7 मेंबर्स के बेस पर एक कमीशन बनाई गई थी जो 1927 में आई थी फॉर द रिफॉर्म इन द इंडिया. बट उसके बाद फिर इंडिया ने इस पर प्रोटेस्ट किया, काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया. उसके बाद फिर उन्होंने 1930 में इसकी रिपोर्ट बनाई थी 1930. थेम्स रिवर इन विच कंट्री. थेम्स रिवर बेसिकली इंग्लैंड में वाक़ है. थेम्स रिवर इन विच कंट्री? इंग्लैंड. नाइग्रा फॉल्स सिचुएटेड इन. नाइग्रा फॉल्स बेसिकली यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स के किसी सिटी में है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है. पाक वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 अंडर द कैप्टनसी ऑफ अवर करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यस इमरान खान. उस वक्त के जो है कैप्टन थे क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप के, 1992 की बात है ये. और ये लड़े किसके खिलाफ थे उस वक्त? पाकिस्तान और इंग्लैंड. इंग्लैंड के खिलाफ ये लड़ रहे थे और इन्होंने फिर विक्ट्री हासिल की पाकिस्तान या इंग्लैंड के खिलाफ. कैपिटल ऑफ कुबा. कुबा का कैपिटल हवाना. विच इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1919. पूछा कि 1999 ये ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था
तो पाकिस्तान से रिलेटेड ऐसे तो बहुत से इवेंट हुए थे 1989 में, लेकिन पाकिस्तान से रिलेटेड कारगिल इशू था, जो एक जंग थी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में, जो 31 मई 1989 में स्टार्ट हुई थी। तो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट आई थिंक इज द राइट टर्म। थ्री जॉर्ज डैम इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम, थ्री जॉर्ज डैम विच इज लोकेटेड इन चाइना। फर्स्ट मर्टर ऑफ इस्लाम सुमैया, जलियांवाला बाग, ये जलियांवाला एक इंसिडेंट है जो 13 अप्रैल 1919 में जो है ये अकड़ हुआ था, 13 अप्रैल 1999। नहीं, यस 13 अप्रैल 1999। ओके, विच प्रॉफिट इज द टाइटल ऑफ स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, खालिद बिन वलीद। इन्होंने 9 तलवारें एक ही वक्त में तोड़ी थी, तभी से इनका नाम स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह कहा जाता है, खालिद बिन वलीद। ओके फ्रेंड्स, यही तक क्वेश्चन थे। वीडियो से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करें, आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर न्यू विजिटर हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस की अलर्ट और नोटिफिकेशन भी मिल सके, और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक करें। ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।